तो दोस्त कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। और दोस्त आज हमारे ब्रॉयलर का 31 डेज चल रहा है और सुबह में आके ही पानी का बर्तन साफ सफाई करने के बाद ही तुरंत मैं उसको फीड देने का जो काम है उसको निपटाने के लिए बोल दिया। और अब देख पा रहे हैं कि फीड देने का जो पैकेट है उसको ओपन करके रख लिया गया है और उसके बाद धीरे धीरे फीड देने का काम जो है वो चल रहा है। और दोस्त कल रात से बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, अभी भी बारिश हो रहा है। आपको एक बार पहले मैं नज़दीक से दिखा दूँ कि बारिश जो हो रहा है, एक मिनट होल्ड कीजिए दोस्त। अब देख पा रहे हैं कि बारिश कंटिन्यू हो रहा है। और दोस्त इस मौसम के बारे में मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दूंगा कि आपके फार्म में अगर चीक्स है तो आपको किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए। और दोस्त आप देख पा रहे हैं कि इस सेट का जो पर्दा है टोटली ओपन है और आपको उस सेट का एक बार दिखा देता हूँ कि उस सेट में क्या है। आप देख पा रहे हैं कि उधर साइड का जो पर्दा है उसमें वो गिरा के रख दिया गया है क्योंकि उसमें हवा आने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था। तो सोचा कि अभी इस बड़ा चिक्स में अगर हवा हवा आ जाएगा तो ठंड वंड लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और दोस्त इस मौसम में अगर आपके फार्म में चिक्स है तो अगर आपके फार्म में डिजीज़ भी नहीं है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है ये मौसम। और अगर आपके फार्म में कोई ठंड के सिम्टम है या तो फिर कुछ डिजीज़ है तो उसके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जैसे जैसे ये वेदर आता है तो ठंड लगने का जो चांस है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो भगवान की कृपा से अभी कोई डिजीज़ नहीं है और ये जो फीड इनटेक कर रहा है ये भी अच्छा ही कर रहा है। और इस वेदर में मतलब ठंड वेदर में जितना हिसाब से फीड इनटेक करेगा उतना हिसाब से ही आपको मीट देगा क्योंकि ये जो चिक्स है ये पेंटिंग नहीं करता। क्योंकि पेंटिंग अगर आपके चिक्स करेगा तो उसका जो कैलोरी है थोड़ा सा कम जाता है, घट जाता है, तो उसके लिए उसका मीट उतना हो नहीं पाता। आप नोट करके देख लीजिएगा कि गर्मी के टाइम में जो एफसीआर है एफसीआर थोड़ा सा ज़्यादा होता है और ठंड के मौसम में एफसीआर थोड़ा सा अच्छा होता है क्योंकि वो हाँपने का कारण से उसका जो कैलोरी है थोड़ा सा नष्ट हो जाता है तो इसके लिए वो मीट नहीं दे पाता। और ऐसा वेदर में अगर आपके फार्म में चीक से अगर ठीक तरह से फीड इनटेक कर रहे तो उसका रिजल्ट भी बढ़िया होने वाला है, लेकिन कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों सोचा कि एक वीडियो बना के आप सभी के साथ शेयर कर लूँ जाके आप सभी को पता चले कि मेरा बर्ड्स का सिचुएशन क्या है। आप नज़दीक से दिखा देता हूँ कि कैसा है। और दोस्त इसी के साथ समाप्त करता हूँ ये वाला वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जाके हर पॉलिटिक फार्मर भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। धन्यवाद।